Hey, what is up, Tiki guys? Deep is this side और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि Android O का स्टेटस बार कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने कोई भी Android डिवाइस पे, वो भी बिना कोई रूट किए बिना। तो चलिए इस वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप अपने फ़ोन में जो एंड्रॉयड का स्टॉक स्टेटस बार है वो ही यूज़ करते होगे और कंट्रोल सेंटर वही होगा, और अगर आप कस्टम रोम यूज़ करते हैं तो उसका भी अलग होगा, पर आप अपने फ़ोन में एंड्रॉयड ओ का स्टेटस बार ऐड कर सकते हैं बिना कोई रूट किए बिना। तो वो कैसे, तो आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है प्ले स्टोर से जिसका नाम है मटीरियल स्टेटस बार प्रो और मटीरियल स्टेटस बार। तो दो वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आप सिंपली जब एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे ऑन करोगे जैसे ही, तो सभी परमिशन अलाउ कर देनी है, तब जाके आप इसे यूज़ कर पाएंगे। अगर आपको यहाँ पे थीम चेंज करनी है वो भी कर सकते हैं, जैसे कि फ्लैट यूआई भी आप रख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पैनल थीम दो ऑप्शन मिलता है, जैसे कि एंड्रॉयड नोगेट का और एंड्रॉयड ओ जो अभी लेटेस्ट है और अभी वो भी बीटा है, जो हमारा आने वाला है एंड्रॉयड ओ उसका स्टेटस बार आपको यहाँ पर मिलेगा। तो अगर आपको यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है वो भी कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जब एनेबल करता हूँ तो एंड्रॉयड ओ का स्टेटस बार आ जाता है और पुराना वाला हट जाता है, ऊपर एक लेयर आ जाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, जैसे मैं अभी एंड्रॉयड 6 यूज़ कर रहा हूँ मेरे मोटोरोला G4 प्ले में, तो उसमें परसेंटेज शो नहीं होता है बैटरी परसेंटेज, पर मैं यहाँ से इसको एनेबल करता हूँ तो यहाँ पे बैटरी परसेंटेज शो होने लगता है। और अगर आपको यहाँ पे क्लॉक सेंटर में रखना हो वो भी रख सकते हैं, जैसे लिनेज ओएस या फिर साइनोजेन ओएस में आपने देखा होगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस यहाँ पे आपको मिलता है और बहुत ही बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे पैनल थीम जो है नोटिफिकेशन सेंटर उसको भी चेंज करना चाहते हो तो वो भी, उसमें भी आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे एनेबल करता हूँ तो पूरा आ जाता है यहाँ पे और काफ़ी कूल दिखने में अच्छा लगता है जैसे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो टाइल है उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे मैं यहाँ पर सेट कर रहा हूँ। तो ये एंड्रॉयड 6 में ये अवेलेबल नहीं है, तो एंड्रॉयड 10 में आप कर सकते हैं बट एंड्रॉयड 6 में नहीं है। और अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा सेटअप कंप्लीट हो गया इसका, और आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी एनिमेशन है वो भी बहुत ही बढ़िया लगती है, जैसे आपने एंड्रॉयड एन में देखा होगा। और यहाँ पे मुझे एक अच्छा जो फीचर लगा वो है एडेप्टिव कलर्स का, जैसे आपको यूट्यूब कॉन्टैक्ट या फिर व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो स्टेटस बार का कलर उस एप्लीकेशन जैसा हो जाता है और कंट्रोल सेंटर का भी कलर ऐसा हो जाता है और दिखने में काफ़ी कूल और बढ़िया लगता है, ठीक है गाइस। तो दोस्तों आशा रखता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और कमेंट कर दीजिए कुछ अच्छा सा। और अगर आपको इससे भी अच्छे वीडियो देखने हैं तो प्लीज़ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और मैं एक और अगले वीडियो के साथ फिर से मिलूंगा। तो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।